सुल्तानपुर में 2 माह पूर्व 4 साल की बच्ची के अपहरण के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सुल्तानपुर NH 45 ग्राम झिरपई से किया था बच्ची का अपहरण। एक युवक एवं उसकी महिला मित्र ने किया था बच्ची का अपहरण। मध्य प्रदेश के बैतूल से पकड़े गए हैं अपहरणकर्ता महिला और पुरुष। वहीं बैंक में लगे CCTV फुटेज के आधार पर हुई थी अपहरणकर्ताओं की पहचान। फिलहाल पुलिस ने महिला एवं युवक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया है। झिरपई गांव में मायका है, वो अपनी माँ को देखने के लिए झिरपई गांव आई हुई थी। उनके साथ उनकी 4 वर्ष की नातिन थी। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है, जिसमें थाना सुल्तानपुर में अपराध पंजीबद्ध कर निदेशालय में लिया जाता है। क्योंकि प्रकरण में 4 साल की बालिका थी, इसलिए हमारे वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, विकास सोभाल सर, एडिशनल SP श्री अमित मीणा सर, SDOP सर अमित लोकान सर के द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए टीम गठित की गई एवं उनके दिशा निर्देशन में हमने कार्रवाई करी। विवेचना में यह ज्ञात होता है कि जो फरियादी है उसके पास एक संदेह आता है, जो इससे अपना परिचित का आभास कराते हुए इनकी सहायता करता है, इनको बैंक ले जाता है, बैंक में ले जाके इनको छोड़ देता है एवं अपनी महिला मित्र के साथ इनकी 4 साल की नातिन को ले जाने के लिए चला जाता है। पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए क्षेत्र के CCTV फुटेज चेक किए जाते हैं, संदेह एवं अपहर्ता के तलाश हेतु मुठभेड़ लगाए जाते हैं एवं सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे समस्त पुलिस स्टेशनों में उनकी फोटोज डाउन भेजी जाती है। और कल 8 तारीख को हमें बैतूल पुलिस के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उक्त हुए की संदिग्ध के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है। तत्काल हमारी पुलिस टीम बैतूल जाती है। बैतूल पुलिस की सहायता से हमने लड़की को दस्तयाब कर लिया है एवं उनके परिजन को सपोर्ट कर दिया है। इस प्रकरण में गोलू उर्फ धर्मेंद्र उर्फ राहुल और अपनी महिला मित्र लता बाई के साथ आरोपी हैं, जिन्हें अभिरक्षा में लिया गया है एवं न्यायालय पेश किया जा रहा है।